नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम मॉडर्न इंडिया का अगला चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि है क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना वाला हमने चैप्टर पूरा कर लिया। इससे पहले हमने अधिवेशन वाला चैप्टर भी यहाँ पर पूरा कर लिया। ठीक है, तो आज हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। और अगर हम देखें तो लास्ट जो चैप्टर हमने इसमें पढ़ा था रिसेंटली वो था बंगाल विभाजन तथा बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। उसका पूरा ओवरव्यू हमने लिया था। ये तीन चार चैप्टर जो है हमने लास्ट क्लासेस में कवर किए थे। अब आज हम आगे बढ़ेंगे और आज जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों वो है क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। तो आज जो हम चर्चा करेंगे ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। देखो भाई, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू कहाँ से होता है यदि हम इसको देखें तो विद्यार्थियों, कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस पर प्रभाव होता है उदारवादियों का, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर हम इसकी क्रोनोलॉजी देखें तो ये है कांग्रेस। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और दो दल यहाँ पर निकल के आते हैं, नरम दल और गरम दल। 1907 की बात है ये, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सूरत कांग्रेस अधिवेशन 1907। नरम दल की बात करें तो इन लोगों का जो विचार था वो ये था कि हमें सांवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को अंग्रेजों तक पहुँचाना चाहिए और ज्ञापन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से उन्हें अपनी समस्याओं से रूबरू कराना चाहिए। और इन लोगों को अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर बहुत भरोसा था, तो इनका ऐसा मानना था कि आज नहीं तो कल अंग्रेज हमारी बात मान ही लेंगे। वहीं दूसरी ओर जो समूह था वो था गरम दल वालों का। ये एक्सट्रीमिस्ट थे और इनका ऐसा कहना था कि केवल ज्ञापन देने से, पत्र लिखने से अंग्रेज हमारी बातों को नहीं मानेंगे और हमें अपनी बातें मनवाने के लिए उग्र तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिनमें हड़ताल शामिल है, जुलूस शामिल है, चक्का जाम इत्यादि। इसी गरम दल से आने वाले समय में एक समूह और बाहर आता है और वो समूह है उग्र राष्ट्रवादियों का। ये थे मेरे प्यारे बच्चों उग्र राष्ट्रवादी। उग्र राष्ट्रवादियों की बात करी जाए तो ये जो लोग हैं उग्र राष्ट्रवादी, इनका ऐसा मानना था कि हमें अपनी मांगों को मनवाने के लिए और भी उग्र तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिनमें हत्याएं शामिल हैं, लूट शामिल हैं, है ना। तो ये जो है गरम दल का ही एक अगला घटक है, लेकिन यदि देखा जाए तो ये उग्र तरीके से अपनी बातों को मनवाने में भरोसा रखते हैं, यानी ये अपनी बातें मनवाने के लिए हत्या तक कर सकते हैं और इन्होंने हत्याएं की, ठीक है ना। हालांकि मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि वो सारी की सारी हत्याएं व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं की गई थी, ये सारी की सारी हत्याएं देश हित में थी अथवा राजनीतिक हत्याएं थी ये सारी की सारी, ठीक है ना। इनको ये लोग जितनी भी हत्याएं करेंगे इन लोगों से इनका व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं होगा। ये हत्याएं जितनी भी होंगी वो सब इसलिए की जाएंगी क्योंकि उन व्यक्तियों के द्वारा भारत के लिए कोई ऐसा कार्य किया गया होगा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, या भारतीयों के प्रति उनका व्यवहार उनकी हत्या का प्रमुख कारण बनेगा। तो फिलहाल इस क्रोनोलॉजी को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, है ना। अब स्थिति ये है कि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक आ ही चुके हैं और भी लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ समाज में युवा ऐसे हैं जो कि इनके कार्यों से सहमत नहीं हैं, ठीक है ना। इन लोगों का ये मानना था कि यदि हमें स्वशासन प्राप्त करना है तो हमें उग्र तरीके अपनाने होंगे, ठीक है ना। इसकी झलक हमें एक न्यूज़पेपर में मिलती है
जिस न्यूज़पेपर का नाम है युगांतर, शायद ये नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो आगे मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। युगांतर नामक न्यूज़पेपर ने इस समस्या का हल अपने तरीके से बताया। उन्होंने कहा, अंग्रेज जो हमारा शोषण करते हैं, अंग्रेज जो हमारा शोषण करते हैं, यदि हम इसे रोकना चाहते हैं तो हमें बल का जवाब बल से देना होगा। युगांतर ने लिखा कि यदि हम अंग्रेजों का शोषण रोकना चाहते हैं तो हम 30 करोड़ भारतीयों को अपने 60 करोड़ हाथों को उठाना होगा। यदि हम अंग्रेजों के शोषण से लड़ना चाहते हैं तो हम 30 करोड़ भारतीयों को अपने 60 करोड़ हाथों को उठाना होगा और बल का जवाब बल से देना होगा। यानी अब यदि आप ध्यान दें तो आपको समझ आएगा कि युवा जो हैं अब हड़ताल जुलूस तक सीमित नहीं हैं, अब वो अंग्रेजी शोषण का जवाब हथियार से देना चाहते हैं, बम से देना चाहते हैं, अपने तरीके से देना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से युवाओं में असंतोष बढ़ रहा है और यही असंतोष आने वाले समय में भारत में उग्र क्रांतिकारी इतिहास के रूप में जाना जाएगा या क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में जाना जाएगा। बहुत हद तक संभव है विद्यार्थियों कि आप कोई बुक पढ़ें और उस बुक में आपको उग्र क्रांतिकारी या उस उग्र राष्ट्रवाद की जगह आतंकवादी राष्ट्रवाद दिखाई दे जाए या आतंकवादी क्रांतिकारी जो शब्द है, मतलब जो शब्द है आपको मिल जाए। बहुत हद तक संभव है कि यहाँ पर जो है, जैसे कि मैंने लिखा है क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, उसी तरीके से हो सकता है किसी बुक में आपको आतंकवादी आंदोलन का इतिहास लिखा हुआ दिखाई दे जाए। तो मेरी ये व्यक्तिगत रूप से आपसे विनती है कि इस किताब को यदि मिले तो तुरंत उसको काट करके उस आतंकवादी सबको आप हटाएं। बहुत हद तक संभव है कि बहुत सारी बुकों में आपको ऐसा मिल जाएगा, बुक्स में मिल जाएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्रांतिकारी आंदोलन या उग्र राष्ट्रवाद, वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आतंकवादी राष्ट्रवाद, है ना, आतंकवादी शब्द वहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं पहले स्पष्ट कर दूँ कि ये जितने भी लोग जो हम आने वाले अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें, ये एक भी आतंकवादी नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, आतंकवाद जो शब्द है वो नकारात्मक है, ठीक है। इन लोगों ने जो भी कार्य किए वो स्वयं के भले के लिए नहीं किए। आतंकवादी जो भी करता है वो लोगों को डराते हुए करता है, ठीक है ना, उसके पीछे मंशा ठीक नहीं होती, ठीक है। वह लोगों की हत्याएं करता है, किसी अच्छे मंतव्य के लिए नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने जितनी भी हत्याएं की वो स्वार्थ के लिए नहीं थी, वो देश के लिए थी, ठीक है। इसलिए इनको आतंकवादी कहना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए विद्यार्थियों, शब्द भी नकारात्मक और सकारात्मक होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो इन्हें सम्मान देते हुए आप आतंकवाद क्रांतिकारी का या आतंकवादी आंदोलन का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो ये सर्वथा गलत है, आप अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हें क्रांतिकारी कहिए आप, आतंकवादी नहीं कहिए, ये आतंकवादी नहीं है, ठीक है। मैंने एक आध बुक में देखा था तो मैंने उन्हें फ़ोन भी लगाया और बताया कि ये शब्द आप करेक्ट कीजिए, ये सही नहीं है, ठीक है। यदि हम ही अपने पूर्वजों को, अब इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जो 15 वर्ष की उम्र पर फांसी पर चढ़ गए, खुदीराम बोस, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो ये आप ऐसे लोगों को आतंकवादी बता रहे हैं क्या? 15 साल का बच्चा आतंकवादी हो सकता है क्या? वो देश के लिए फांसी पर चढ़ गया, तो यदि हम ही उन्हें सम्मान नहीं देंगे तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ी उनका सम्मान करेगी। ये एक भी आतंकवादी नहीं है, हमें इनके ऊपर गर्व होना चाहिए, ये वो लोग थे जो हमारे लिए फांसी चढ़ गए, ठीक है। आतंकवाद जब कोई फैलाता है तो उसके पीछे उसका व्यक्तिगत लाभ होता है, इन लोगों का कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं था, ये देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपनी कुर्बानी दे दिए, तो हमें इनका तहे दिल से सम्मान करना चाहिए, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मेरे अनुसार ये आतंकवादी बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको कि उग्र राष्ट्रवाद का उदय कहां से हो रहा है, उग्र राष्ट्रवाद कहां से आ रहा है, कांग्रेस का ही एक हम कह सकते हैं, कांग्रेस का विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल में, और भविष्य में गरम दल की एक ब्रांच हो गई उग्र राष्ट्रवादी, है ना। अब हम इसकी शुरुआत देखते हैं कहां से हुई, स्टेट वाइज स्टेट हम इसको देखेंगे। तो पहला हम इसमें हेडिंग डालेंगे महाराष्ट्र में, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए भाई, तो पहला जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है महाराष्ट्र, ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन महाराष्ट्र में। तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट मैं आपको बता दूं वो ये है कि उग्र राष्ट्रवादियों का पहला केंद्र महाराष्ट्र ही था, उग्र
राष्ट्रवादियों का, उग्र क्रांतिकारियों का जो पहला केंद्र बना विद्यार्थियों, वो महाराष्ट्र था। अगर कभी पूछ ले कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद की शुरुआत या उग्र क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई, तो उसका जवाब है महाराष्ट्र। इस पॉइंट को हम नोट करेंगे, ठीक है। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम केंद्र, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम केंद्र था विद्यार्थियों महाराष्ट्र, ठीक है। और हम देखें इसकी शुरुआत किसने की है विद्यार्थियों, तो इसकी शुरुआत की है चित्पावन ब्राह्मणों ने। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति जो समूह था वो था चित्पावन ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण कम्युनिटी ने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की और इसी चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से ही संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई और इस क्रांति के अलग जगाने वाले लोग कौन थे, वो थे चित्पावन ब्राह्मण, ठीक है ना। और मुख्य रूप से यदि हम नेता देखें कि महाराष्ट्र में प्रमुख नेता कौन थे, तो महाराष्ट्र में क्रांति के प्रमुख नेता बने बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। यहां पर क्रांति के प्रमुख नेता कौन बने, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ही विद्यार्थियों 1893 में, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने ही 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया जो आज महाराष्ट्र की शान है, ठीक है। पूरे महाराष्ट्र में बड़े ही जोर शोर से मनाया जाता है गणपति महोत्सव। और 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया, शिवाजी महोत्सव, ठीक है। तो वो बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की और किस तरीके से की, तो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए उन्होंने शुरू किया 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव। गणपति महोत्सव आज महाराष्ट्र का बेहद ही बड़ा त्यौहार है, जिस तरीके से वर्तमान समय में उत्तर भारत में होली एवं दिवाली मनाई जाती है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव मनाया जाता है। बहुत बड़े स्तर पर ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये क्यों मनाया गया था, तो इसके पीछे कोई धार्मिक रास्ता तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो प्रमुख कारण था वो राष्ट्रवाद की भावना का उदय करना था। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय करना इस महोत्सव का प्रमुख कारण था और इसीलिए महोत्सव शुरू हुए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनकी डेट पूछ लेता है, बताइए गणपति महोत्सव कब से शुरू हुआ, शिवाजी महोत्सव कब से शुरू हुआ या किसने शुरू किया, तो हम ध्यान रखेंगे बाल गंगाधर तिलक ने इनको शुरू किया था। अब महाराष्ट्र में यदि हम देखें कि कौन कौन सी संस्थाएं थीं, तो विद्यार्थियों महाराष्ट्र में एक प्रमुख संस्था जो बनी वो थी व्यायाम मंडल, व्यायाम मंडल। एक प्रमुख क्रांतिकारी संस्था जो बनी महाराष्ट्र में वो थी व्यायाम मंडल। किस वर्ष बनी, 1896-1897 में एक संस्था बनाई गई जिस संस्था का नाम था व्यायाम मंडल। किसने बनाई, तो इसको बनाने वाले व्यक्ति थे चापेकर बंधु। कौन थे, चापेकर बंधु यानी दामोदर चापेकर, ये नाम महत्वपूर्ण है, और बालकृष्ण चापेकर, इन दोनों भाइयों ने मिलकर के इस संस्था की स्थापना की 1895-1896 में। और इस संस्था का नाम क्या है, इस संस्था का नाम है व्यायाम मंडल, ठीक है। उद्देश्य क्या था भैया इसका, तो इसका उद्देश्य था विशुद्ध राजनीतिक, है ना। ये जो संस्था थी विशुद्ध राजनीतिक थी और ये जो संस्था है व्यायाम मंडल, ये इस बात पर निगाह रखती थी कि कौन सा अंग्रेजी अफसर भारतीयों को कितना तंग कर रहा है, इस बात पर ये लोग निगाह रखते थे और उसको किस तरीके से सजा देना है इसका फैसला भी ये किया करते थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूना में प्लेग ऑफिसर, प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड तथा लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी।
इसी संस्था के सदस्य मुख्य रूप से दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर, जिनका नाम है मिस्टर रैंड, ठीक है, रैंड तथा लेफ्टिनेंट अयस्त, ठीक है ना, लेफ्टिनेंट अयस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने, दामोदर चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट अयस्त की गोली मारकर हत्या कर दी 22 जून 1897 में। इन दोनों की हत्या किस वर्ष हुई? 22 जून 1897। 22 जून 1897 में इन दोनों भाइयों ने प्लेग कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट अयस्त की हत्या कर दी इन दोनों भाइयों ने मिलकर। ठीक है, क्यों कर दी, प्रश्न उठता है क्यों कर दी, तो विद्यार्थियों इसलिए कर दी क्योंकि ये जो दोनों व्यक्ति हैं, ठीक है, इनके ऊपर ये आरोप था कि जब पूना में प्लेग फैला तो इन लोगों ने प्लेग की बीमारी को कंट्रोल करने के बहाने बहुत बड़े पैमाने पे भारतीय लोगों को मारा पीटा, उनके साथ गलत व्यवहार किया। ठीक है ना, पुणे में जब प्लेग फैला था, ये बात है 1885 के आसपास की, ठीक है, तो जब प्लेग फैला पुणे में, तो बहुत बड़े पैमाने पे प्लेग फैला, तो ये लोग अंग्रेज क्या करते थे, देखिए बीमारी का इलाज तो अपनी जगह है ना, लेकिन इन लोगों को भारतीयों से इतना लगाव तो था नहीं कि उनका ढंग से इलाज कराएं, इसलिए ये लोग क्या करते थे कि भारतीयों को पकड़ते थे, ऐसे भारतीय इन पर शक होता था कि ये प्लेग से ग्रसित है, क्योंकि महामारी की तरह था, जैसे आज के टाइम पर कोविड है, कोरोना है, वैसे ही थी। ये लोग क्या करते थे, जिन लोगों को, जैसे इनको पता चलता था कि इस व्यक्ति को प्लेग है, तो उस व्यक्ति को पांव से घसीटते हुए शहर से बाहर फेंक आते थे। ठीक है ना, इलाज विलाज का इतना नहीं था, क्योंकि अगर घर में रहेगा तो दो चार को और बीमार कर देगा, इसलिए बड़े पैमाने पे ये लोगों को तंग करते थे, उनको मारते पीटते थे और बीमार लोगों को शहर के बाहर घसीट के फेंक आते थे, है ना, तो बड़ा ही शोषण किया इन लोगों ने प्लेग बीमारी के दौरान। इसका बदला किसने लिया? दामोदर चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर ने। इन्होंने 22 जून 1897 को प्लेग कमिश्नर रैंड तथा अयस्त की हत्या कर दी। ठीक है ना, इनका चैप्टर खत्म, इनकी दोनों की हत्या कर दी। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थियों, ये भारत की पहली राजनीतिक हत्या थी, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, भारत की पहली राजनीतिक हत्या कौन सी थी? प्लेग कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट अयस्त की हत्या भारत की पहली राजनीतिक हत्या थी, क्योंकि इन दोनों से चापेकर बंधुओं की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, है ना, कोई पर्सनल नुकसान नहीं किया था इन दोनों का। इन दोनों ने हत्या केवल इसलिए कर दी क्योंकि ये लोग भारतीयों का शोषण करते थे, भारतीयों को इन्होंने तंग किया था, उनको परेशान किया था बड़े पैमाने पे, इसलिए इन दोनों कुख्यात लोगों की हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, और ये है भारत की पहली राजनीतिक हत्या, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है, तो व्यायाम मंडल 1896-1897, दामोदर चापेकर तथा बालकृष्ण चापेकर, ठीक है, और इनका कारनामा क्या है? प्लेग कमिश्नर रैंड तथा लेफ्टिनेंट अयस्त की हत्या, कब? 22 जून 1897 को, और इन दोनों की हत्या भारत की पहली राजनीतिक हत्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हत्या थी विद्यार्थियों, इस हत्या का बाल गंगाधर तिलक ने काफी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा ये जो है ये कहीं ना कहीं सही है। ठीक है ना, उन्होंने कहा कि ये जो हत्या हुई, बाल गंगाधर तिलक ने कहा ये जो हत्या है ये सही है, और उन्होंने अपने पेपर केसरी, अभी मैं बताऊंगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो उनका एक न्यूज़पेपर था केसरी, उन्होंने अपने केसरी नामक न्यूज़पेपर में लिखा कि ये जो हत्या है बिल्कुल वैसी ही है जैसी हत्या शिवाजी ने अफजल खां की थी, है ना। यदि आपने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि औरंगजेब ने शिवाजी को कंट्रोल करने के लिए एक मुस्लिम सेनापति अफजल खां को भेजा था, और अफजल खां धोखे से मारना चाहता था शिवाजी को, लेकिन शिवाजी ने उसे ही मार डाला, तो बिल्कुल वैसे ही उन्होंने तुलना कर दी। तो तिलक ने कहा कि चापेकर बंधुओं ने जो रैंड और अयस्त को मारा है ये बिल्कुल वैसी हत्या है जैसी शिवाजी ने अफजल खां की थी,
और इस लेख के लिए बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने की जेल भी हुई। ठीक है, तो यहां पर जरा हम बात कर लेते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो है ना। तो अब जरा हम डिटेल में बात कर लेते हैं किसकी, बाल गंगाधर तिलक की। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में थोड़ा सा पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। जैसे सबसे पहले हम देख लें बाल गंगाधर तिलक की उपाधि, है ना। बाल गंगाधर तिलक की उपाधियां क्या है, तो विद्यार्थियों बाल गंगाधर तिलक की दो उपाधि है। पहली तो है लोकमान्य, बहुत ही फेमस है, ठीक है, और दूसरा बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारत का बेताज बादशाह। ये ध्यान रखेंगे, भारत का बेताज बादशाह ये किसको कहा जाता है, ये भी बाल गंगाधर तिलक को ही कहा जाता है। ठीक है, और यदि हम देखें तो इनके न्यूज़पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 1881 में बाल गंगाधर तिलक ने जो न्यूज़पेपर निकाला उसका नाम था मराठा, ये पत्र है इनका, ठीक है, न्यूज़पेपर समझ लीजिए। दूसरा 1881 में ही एक अन्य न्यूज़पेपर निकाला बाल गंगाधर तिलक ने जिसका नाम था केसरी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। ये सारी की सारी बातें महत्वपूर्ण है, बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बाल गंगाधर तिलक की वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू किया था। और एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति हैं जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई। अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि वह भारत का पहला व्यक्ति कौन है जिससे पत्रकारिता की वजह से सजा हुई, तो वो व्यक्ति हैं बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखना, अगर कभी प्रश्न पूछ ले कि वह कौन सा व्यक्ति है जिसे पत्रकारिता के कारण सजा हुई, तो भारत के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें पत्रकारिता की वजह से सजा हुई वो हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक वो पहले व्यक्ति हैं जिनको पत्रकारिता की वजह से सजा हुई। ठीक है, और इनकी उपाधि क्या है, इनकी उपाधि है लोकमान्य। ठीक है, चलिए आगे देखें, आगे हम बढ़े अगर तो बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक भी है जो कि काफी फेमस है। ठीक है, उसका भी नाम देख लेते हैं। चलिए, बाल गंगाधर तिलक की एक बड़ी ही फेमस पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। इस पुस्तक को भी जरा देख लें। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल की जेल हुई, और जेल हुई उन्हें मांडले में, मांडले वर्मा में पड़ता है, उस समय वर्मा हमारा ही हिस्सा था। ठीक है, तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के अपराध में 6 साल की जेल हुई, और जेल में उन्हें रखा गया कहां पर, मांडले जेल जो कि वर्मा में है। इसी जेल में रहने के दौरान उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है ना, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है इसकी रचना इन्होंने कहां की, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना इन्होंने कहां की है, मांडले जेल में। ये बुक है, ठीक है, ये पुस्तक है, ठीक है, और इस पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने कहां की है, मांडले जेल में। ठीक है, तो जब बाल गंगाधर तिलक मांडले जेल में थे तब उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की भी रचना की। और बाल गंगाधर तिलक जो है आर्य समाज से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको शायद बता चुका हूँ बात। और यदि देखा जाए तो एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं जो भारत की यात्रा पर आए, जिनका नाम था वैलेंटाइन शिरोल। ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल जो है लंदन टाइम्स के संपादक थे, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी अनरेस्ट इंडिया। ठीक है, और उस पुस्तक में इन्होंने बताया कि भारत में जो अशांति फैली हुई है वो वास्तविकता में हिंदू अशांति है, और हिंदुओं में भी जो अशांति के जनक हैं वो हैं बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है हिंदू, बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है भारत, भारतीय अशांति का जनक। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक किसको कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को ही कहते हैं। ठीक है ना, अब ये उपाधि इन्हें किसने दी है, तो उपाधि दी है, लिख देता हूं यहां पे,
वैलेंटाइन शिरोल, ध्यान रखना ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने ये उपाधि दी है किसको, बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन शिरोल कौन है, तो लंदन टाइम्स के संपादक हैं, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को कहा था भारतीय अशांति का जनक। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको साफ कर देते हैं हम। ठीक, तो महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पढ़ा व्यायाम मंडल और बाल गंगाधर तिलक का योगदान, ठीक है, क्या था उसको हमने जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। अब देखो विद्यार्थियों, महाराष्ट्र में ही एक संस्था खुलती है, मित्र मेला, ठीक है, महाराष्ट्र में एक संस्था खुलती है जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, वो है मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला कब खुली, मित्र मेला खुली है 1904 में। कहाँ खुली है, नासिक में खुली है। और किस व्यक्ति ने मित्र मेला संगठन की स्थापना की, तो विनायक दामोदर सावरकर, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, वीडी सावरकर, वीर सावरकर के नाम से इनको हम जानते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला संगठन की स्थापना 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने की, और यही मित्र मेला आगे चलकर जिस नाम से फेमस हुआ वो है अभिनव भारत, वो संस्था है अभिनव भारत। ठीक है, मित्र मेला ही अभिनव भारत है, ठीक है, ठीक है, मित्र मेला ही अभिनव भारत है। मित्र मेला जो है इटली की एक संस्था पर आधारित थी, जहां पर युवा लोग एक साथ इकट्ठे हुआ करते थे और अपने विचारों को रखा करते थे। तो इटली की उसी संस्था से प्रेरित होकर विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में नासिक में मित्र मेला संगठन बनाया, युवाओं का संगठन था, इसमें युवा आकर अपने विचारों को रखा करते थे। बाद में विनायक दामोदर सावरकर ने इसको क्रांति का गढ़ बना दिया और यहाँ पर क्रांतिकारी जो बातें थी वो होने लगी, क्रांतिकारी भावनाओं का आदान प्रदान होने लगा, और यही संस्था 1904 में ही यही संस्था अभिनव भारत नाम से फेमस हुई। अब अभिनव भारत की हम बात करें तो अभिनव भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कब स्थापना हुई है इसकी, तो बिल्कुल ऊपर वाली ही है ना, 1904 में इसकी स्थापना हुई है। कहाँ हुई है, तो नासिक में ही हुई है, और संस्थापक कौन है, तो विनायक दामोदर सावरकर ही इसके संस्थापक हैं, हम ध्यान रखेंगे। अब इसी संस्था के एक सदस्य जिनका नाम है पांडुरंग महादेव वापट, ठीक है, इसी संस्था के एक सदस्य जिनका नाम है पांडुरंग महादेव वापट, इसी संस्था के सदस्य पांडुरंग महादेव वापट को बम बनाने की कला सीखने के लिए अभिनव भारत ने रूस में भेजा था, ठीक है ना, बम बनाना सीखने के लिए, ठीक है। इस संस्था ने पांडुरंग महादेव वापट को रूस भेजा बम बनाना सीखने के लिए, कि जाओ रूस जाओ और वहां से सीख करके आओ कि आखिरकार बम कैसे बनाए जाते हैं। तो अभिनव भारत काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और अभिनव भारत के सदस्यों के द्वारा ही एक घटना को अंजाम दिया गया और उस घटना का नाम है नासिक षड्यंत्र केस, ठीक है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इसी संस्था के सदस्यों के द्वारा एक केस को अंजाम दिया गया जो कि है नासिक षड्यंत्र केस, ठीक है। अभिनव भारत के सदस्यों के द्वारा यह घटना को अंजाम दिया गया, नासिक षड्यंत्र केस किस वर्ष दिया गया, 1909 में। अब क्या था नासिक षड्यंत्र केस, तो भैया अभिनव भारत के सदस्य जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कानहारे, ठीक है, अभिनव भारत संस्था के एक सदस्य जिनका नाम था अनंत लक्ष्मण कानहारे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी
जिसका नाम था मजिस्ट्रेट जैक्सन, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, ठीक है ना। अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कान्हारे ने मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद अनंत लक्ष्मण कान्हारे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। और इतना ही नहीं, इस पूरे षड्यंत्र के लिए दोषी माना गया विनायक दामोदर सावरकर को, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। इस नासिक षड्यंत्र केस के लिए देखिए, अनंत लक्ष्मण कान्हारे तो गिरफ्तार हो गए, फांसी दे दी गई, लेकिन अंग्रेज इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि इस पूरी संस्था को ही खत्म कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये तो केवल गोली चलाने वाले व्यक्ति हैं, असल मास्टरमाइंड तो कौन है, वीडी सावरकर है। इसलिए वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया, ठीक है। उस समय ये लंदन में थे, है ना, तो इन्हें लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और इन्हें आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। बात समझ रहे हैं, यानी नासिक षड्यंत्र केस में वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके भारत लाया गया और भारत में इन्हें आजीवन कैद। आजीवन का मतलब होता है विद्यार्थियों कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक जेल में रहोगे। आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी, अंग्रेज कितना डरते थे इन लोगों से कि इन्हें बाहर नहीं देखना चाहते थे, है ना। वीडी सावरकर, वीर सावरकर, है ना। अब कुछ लोग इतने मूर्ख हैं हमारे समाज में, जो वामपंथी समुदाय है, इतना मूर्ख है कि वो इन्हीं पर सवाल उठा देता है, कह देता है कि वीडी सावरकर तो कुछ थे ही नहीं, है ना, इन्होंने तो कई बार अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, और इसके लिए वो पता नहीं कौन कौन से सबूत भी दिखा देते हैं, है ना, व्यर्थ के, इनका कोई मतलब नहीं बनता, है ना। तो विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कैद की सज़ा सुनाई गई। और ये कहाँ बंद हुए तो मैं आपको बता दूँ, इनकी जो सज़ा हुई वो ही सेल्यूलर जेल में, ठीक है। अब ये सेलुलर जेल कहाँ है, तो ये है अंडमान और निकोबार में, ठीक है, अंडमान और निकोबार की सेलुलर जेल में इन्हें कैद करके आजीवन बंद कर दिया गया, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन, ठीक, बात समझ पा रहे हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम देखें बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए यह था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हमने पढ़ा महाराष्ट्र में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए। तो महाराष्ट्र के यदि क्रांतिकारी आंदोलनों को देखा जाए तो महाराष्ट्र में कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, एक बार हम इसे रिपीट कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे देखिए क्रांति की शुरुआत, अगर उग्र क्रांतिकारी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में भी क्रांतिकारियों का जो प्रमुख दल था उसके नेतृत्व करता थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और यदि हम देखें कि कहां से इसकी शुरुआत हुई है तो पहली जो बड़ी संस्था थी वो थी व्यायाम मंडल, ठीक है। व्यायाम मंडल से ही जुड़े हुए थे चापेकर बंधु, जिन्होंने प्लेग अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि भारत में होने वाली पहली राजनीतिक हत्या थी, है ना। इसके बाद यदि हम देखें तो बाल गंगाधर तिलक ने ही 1893 और 1895 में शुरू किया था क्या, शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट याद रखेंगे पेपर में पूछ लेता है। और फिर आने वाले टाइम में महाराष्ट्र के नासिक में स्थापना होती है किसकी, मित्र मेला और अभिनव भारत की। और अभिनव भारत के सदस्यों ने ही मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे हम नासिक षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, जिसमें विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई और भेज दिया गया सेलुलर जेल में, जो कि है अंडमान निकोबार में। अभी हम चर्चा करेंगे किसकी, बंगाल की, ठीक है। अब हम देखेंगे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कहां से शुरू होता है,
तो बंगाल में यदि क्रांतिकारी आंदोलन की बात की जाए तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने वाली जो संस्था थी वो थी भद्रलोक समाज, ठीक है। लेकिन इसका इतिहास में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन इतना तो है ही कि शुरुआत किसने की थी। तो बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी भद्रलोक समाज ने, लेकिन ये इतना फेमस नहीं हो पाई। एक्चुअल में बंगाल में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार मुख्य रूप से दो लोगों ने किया, और वो दो लोग कौन हैं? वो दो लोग हैं वारिंद्र घोष, और दूसरे व्यक्ति हैं भूपेंद्र नाथ दत्त। अब हो सकता है इनके नाम आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये जिनके भाई हैं वो व्यक्ति बड़ा ही फेमस है। वारिंद्र घोष जो है ये भाई हैं अरविंद घोष के, इनका नाम आपने खूब सुना होगा, और भूपेंद्र नाथ दत्त भाई हैं स्वामी विवेकानंद के, यानी ये भाई हैं नरेंद्र नाथ दत्त के, ठीक है। भूपेंद्र नाथ दत्त जो हैं ये भाई हैं किसके? नरेंद्र नाथ दत्त के, और नरेंद्र नाथ दत्त कोई और नहीं स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो मुख्य रूप से बंगाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन हैं? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ठीक है ना। इन्हीं दोनों ने विद्यार्थियों 1906 में, बेहद ही इंपॉर्टेंट, इन्हीं दोनों ने 1906 में युगांतर नामक पत्र निकाला, बेहद ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। इन्हीं दोनों ने 1906 में युगांतर नामक पत्र निकाला, ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। युगांतर नामक पत्र किसने निकाला था? युगांतर नामक पत्र निकाला था वारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। किस वर्ष निकाला था? 1906 में। यही वो न्यूज़पेपर था जिसने कहा था कि यदि हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है तो हम 30 करोड़ भारतीयों को अपने 60 करोड़ हाथ उठाने पड़ेंगे, यही वो न्यूज़पेपर था। तो इसको निकालने वाले व्यक्ति कौन थे? वारिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। और इन्हीं दोनों ने बंगाल में एक प्रसिद्ध सोसाइटी बनाई जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इन्हीं दोनों ने एक समिति बनाई जो बहुत ही फेमस रही, और उस समिति का नाम है अनुशीलन समिति, इन्हीं दोनों ने मिलकर, ठीक है। किस वर्ष बनाई है? 1907 में बनाई है। इन्हीं दोनों ने मिलकर 1907 में बनाई अनुशीलन समिति। कहां बनाई? स्थान अगर पूछ ले तो कलकत्ता में बनाई। कलकत्ता में इन दोनों ने मिलकर बनाई क्या? अनुशीलन समिति, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुशीलन समिति इन्हीं दोनों के द्वारा बनाई गई है, ठीक है, हाँ जी, कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, इन्हीं दोनों ने बनाई है, वारिंद्र नाथ ने और भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ठीक है। अब यदि हम देखें इसके प्रयास क्या क्या रहे, अनुशीलन समिति के प्रयासों की अगर बात की जाए तो एक एक करके देखते हैं। चलिए, तो बंगाल में अनुशीलन समिति बनी, और अनुशीलन समिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ी समिति थी। ये केवल बंगाल में नहीं, इसकी शाखा बांग्लादेश तक में थी, हालांकि उस समय बांग्लादेश नहीं था। तो ढाका में एक इसका हेडक्वार्टर और था, एक तो कलकत्ता में था, दूसरा हेडक्वार्टर जो है इसका ढाका में भी था, और अकेले ढाका में इसकी 500 से अधिक शाखाएं थी आसपास के क्षेत्रों में। तो बहुत बड़ी समिति थी विद्यार्थियों, अनुशीलन समिति। ध्यान रखना किस वर्ष बनी है और किसने बनाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बंगाल में जो पहला बड़ा हत्याकांड होता है वो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, ठीक है। तो जो पहली बड़ी घटना हुई बंगाल में, ठीक है, वो कब होती है? वो बड़ी घटना होती है विद्यार्थियों 1908 में, है ना। और घटना क्या थी? घटना थी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। घटना का नाम है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। किस वर्ष हुआ ये प्रयास? ये प्रयास हुआ है 1908 में, ठीक है, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास बंगाल में। अब क्या है ये? तो देखो, ये जो किंग्सफोर्ड आपको दिख रहा है ये था मुजफ्फरपुर का जज। ये कौन था?
ये मुजफ्फरपुर का जज था, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज था, और इसके बारे में ये बहुत कुख्यात था कि ये चुन चुनकर भारतीयों को फांसी पर चढ़ाता है। यानी ये डिस्ट्रिक्ट जज था और इसकी ये खासियत थी। खासियत क्या, ये इतना कुख्यात था कि यदि किसी भारतीय का मुकदमा इसके पास आता था तो छोटी छोटी बातों पे लोगों को फांसी तक की सजा दे दिया करता था। तो बड़ा ही कुख्यात था। अब कुख्यात था तो राडार पर आ गया और इसकी फील्डिंग सेट कर दी गई, है ना। और किन लोगों ने सेट की, तो दो बच्चों ने सेट की, विद्यार्थियों। कौन लोग थे वो? वो थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस, इन दोनों ने मिलकर के इसकी हत्या करने का प्लान बनाया। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे, एक की उम्र थी 16 साल, एक की उम्र थी 15 साल। अब इन दोनों ने प्लान किया कि हम किंग्स फोर्ट को मार डालेंगे, है ना। और कैसे प्लान किया, तो उन्होंने कहा हम इसकी गाड़ी पर बम फेंकेंगे। आप अंदाजा लगाइए बम से हमला होगा यहाँ पर, गोली से भी नहीं, गोली से बच सकता है, बम फेंक के मारेंगे ताकि एक ही बार में धमाका धमाका हो जाए। अब रैकी शुरू हो गई इसकी, है ना, कि कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो बच्चे ही थे लेकिन उन्होंने इतना पता लगा लिया कि सुबह सुबह इस गाड़ी से आता है और शाम को इसी गाड़ी से वापस हो जाता है। और दिन जो है वो चुन लिया गया, है ना। और दिन जो था वो था 30 अप्रैल का, ठीक है। 30 अप्रैल का दिन चुन लिया गया कि इस दिन हम इसकी हत्या करेंगे। लेकिन 30 अप्रैल का दिन इसके लिए लकी था। एक्चुअल में हुआ ये कि जिस दिन इसकी हत्या होनी थी किंग्स फोर्ट की, उस दिन इसकी गाड़ी में एक दूसरे जज बैठे हुए थे जिनका नाम था कैनेडी। और कैनेडी अकेले नहीं थे, उनका पूरा परिवार था। तो जिस दिन इसकी हत्या होने का प्लान रखा गया था, उस दिन किंग्स फोर्ड अपनी गाड़ी में नहीं था, बल्कि किंग्स फोर्ड की गाड़ी में दूसरे जज थे जिनका नाम था कैनेडी, और उनका पूरा परिवार भी इसमें शामिल था। अब इन लोगों का प्लान था कि हम इसको उड़ा देंगे। एक्चुअल में अच्छा, इन लोगों को नहीं पता था कि ऐसा हो गया है कि उसकी गाड़ी में कोई और बैठा है, इसलिए इन लोगों ने उस गाड़ी पर बम फेंका। और बम फेंका तो विस्फोट हुआ, जिससे किंग्स फोर्ड की जगह कैनेडी और उसका परिवार उसमें मारा गया, है ना। अब ये एक दुर्घटना थी। एक्चुअल में मरना तो किंग्स फोर्ड को था, लेकिन मर कौन गए? कैनेडी मर गए, ठीक है। अब चूंकि बहुत बड़ी बात थी, जज साहब पर ही बम फेंक दिया, है ना। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस गिरफ्तार कर लिए गए, और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई। 15 वर्ष, आप सोचो 15 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। वर्तमान में नियम यह है कि अगर किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम है तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती किसी भी हालत में, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस के अंतर्गत, ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, उन्हें किसी हालत में फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन अंग्रेज ये सब कहां समझते थे, है ना। तो ये खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे, ठीक है। सबसे कम उम्र में फांसी चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन हैं? खुदीराम बोस। और जिस समय इनको फांसी हुई उस समय इनकी उम्र क्या थी? 15 वर्ष। उस समय ये केवल 15 साल के थे। तो 15 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। इसके आगे थोड़ा कुछ और रह गया है, उसे मैं अगली क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्रांतिकारी आंदोलन। अभी इसमें थोड़ा कुछ रह गया है, जैसे दिल्ली में रह गया है ना, बंगाल में ही एक षड्यंत्र जो है रह गया है, जैसे हम अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा सा पंजाब का रह गया है, दिल्ली का रह गया है, उसे हम पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि इसमें कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया हो तो बेझिझक आप उससे पूछ सकते हैं। PCS का फॉर्म आ चुका है, मैंने उसका डिटेल वीडियो बना दिया है फॉर्म का, आपको PDF भी उसकी मिल जाएगी। यदि आप वो PDF प्राप्त करना चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और बिल्कुल फॉर्म डालिए इसका। वैसे तो 21 जून इसकी डेट बताई जा रही है, लेकिन 100% वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ
कि पीसीएस का पेपर आप देने जाइए और मॉडर्न इंडिया से एक भी सवाल अगर आए और ना वो हमारे लेक्चर से हो तो आप मुझसे कह दीजिएगा कि आपने क्या कहा था, है ना। आप सारे लेक्चर अटेंड कीजिए, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा मॉडर्न इंडिया का हमारे लेक्चर से। बस आप ढंग से क्लासेस लेते रहिए, फॉर्म डालिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और जीवन में अधिकारी वगैरह बनिए, कुछ बड़ा प्लान कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। स्टे होम स्टे सेफ, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल।